दुर्ग से महापौर, सांसद और विधायक जैसे पदों पर जीत हासिल करने वाली सरोज पांडे आज पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। उनकी मौजूदगी युवाओं में जोश जगाती है, इसी लिहाज से युवा मोर्चा के कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया गया। सरोज पांडे की पहचान एक अच्छे वक्ता के रूप में भी है। मंगलवार को पत्रकारों द्वारा जब पूछा गया कि इस तरह सदस्य बनाए जाने से इस बात की संभावना भी है कि पार्टी के साथ अवांछित तत्व भी जुड़ जाएंगे जिनका कार्यकलाप भविष्य में पार्टी की छवि खराब कर सकता है, इसे पार पाने उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली पर भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी की जो सांगठनिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हमारे यहाँ सत्यापन भी एक प्रक्रिया है और उसमें जो अवांछित लोग हैं वो अपने आप बाहर हो जाते हैं। इससे लाभ और हानि से नहीं जोड़ा जा सकता है। जिस दल के साथ आप जुड़ते हैं उस दल के साथ आपका अपना एक अटूट विश्वास होती है, एक निष्ठा होती है और हम मोबाइल से जो सदस्य बना रहे हैं उससे एक जरूर लाभ होगा। वो लाभ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम है उससे हमारे लोग सीधे जुड़ेंगे। किसानों के बहाने कांग्रेस के विरोध को उन्होंने खालिस राजनीति करार दिया। कांग्रेस का कल का जो प्रदर्शन था उस विषय को मैंने कहा है। कांग्रेस के उस विषय के अगर प्रदर्शन को आप कल देखेंगे जितने फुटेज हैं, केवल कांग्रेसी ही दौड़ रहे हैं, उसमें किसान तो दिखाई नहीं दिया। जिसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी बात कही, वो कहीं शामिल होता तो ये बात समझ में आती कि देश के प्रदेश के किसान उतरे हैं। इन दिनों शरद यादव के बयान पर खूब उबाल आ रहा है और महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। मगर इससे जुड़े सवाल पर सरोज पांडे जवाब देने से बचती दिखी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को 17.5 करोड़ वोट मिले थे, इस लिहाज से 10 करोड़ का लक्ष्य भाजपा के लिए आसान है, जबकि कांग्रेस मौजूदा दौर में 2 करोड़ सदस्य के लक्ष्य को भी नहीं पा पा रही है। कैमरा पर्सन पुष्प रंजन कश्यप के साथ प्रवीर भट्टाचार्य, सिटी न्यूज बिलासपुर।